जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह में नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल से करते हैं। हमने देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड ने और सिल्वर ने दोनों ने ही नए रीसेंट हाइस टेस्ट किए, जहां डोमेस्टिक गोल्ड यानी MCX पर गोल्ड ने 49,600 के हाइस टेस्ट किए, वहीं पर चांदी ने भी 67,300 के ऊपर के हाई टेस्ट किए। हालांकि जो सप्ताह की क्लोजिंग आई वो गोल्ड की 48,800 के करीब और चांदी की करीबन 66,300 के करीब आई थी। वहीं स्पॉट गोल्ड ने भी 1870 से $75 के करीब के न्यू रीसेंट हाइस बनाए, जबकि चांदी भी $26 के काफ़ी करीब जाने में कामयाब हुई है। तो आने वाले सप्ताह में और उसके बाद भी कुछ समय तक क्या रुख रह सकता है, इसकी ये चर्चा करेंगे। गोल्ड से शुरू करते हैं। तो गोल्ड में हमने लगातार $1830 के ऊपर, यानी जहां अपने मार्केट में जब 48,300 के ऊपर प्राइसेस निकली थी, वहां पर लगातार तेज़ी आते हुए देखी है और ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे एक नए हाई को बनते हुए देखा है, जो पिछले 4 या 5 महीनों का नया हाई था। वहीं चांदी में भी हमने करीबन 64,500 के ऊपर जैसे ही प्राइसेस को निकलते हुए देखा, वहां हमने 66,500 से लगभग 67,300 के भी हाइज देखे हैं। फिलहाल ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में एक करेक्शन का दौर दिखाई दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस स्पॉट गोल्ड में $1875 और सिल्वर में $26 के ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले सप्ताह के या उसके बाद भी हमें 1 या 2 हफ्ते एक करेक्शन का दौर देखने मिले, जहां पर $1830 का एक टेस्ट होता हुआ दिखे, यानी प्राइस जो है दोबारा एक बार 48,300 डोमेस्टिक बाज़ार में आते हुए देखे गोल्ड में। और चांदी में सिमिलरली हो सकता है कि हमें 65,000 के नीचे दाम फिसलते हुए देखें। तो इमीडिएट जो रुझान है वो करेक्शन का हो सकता है, लेकिन अगर मैं उससे आगे की बात करूं यानी 2 से 3 हफ्ते की बात करूं, तो ऐसा लगता है ओवरऑल ये जो डिप आएगी ये दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि $1910 का एक टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है और 2 से 3 सप्ताह के लिए $1910 यानी करीबन 50,200 के टारगेट लेके चला जा सकता है। वहीं पर चांदी में अगर 65,000 के नीचे मिलता है तो 68,500 यानी $2625 तक के टारगेट लेके चला जा सकता है। तो ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रुझान था गोल्ड और सिल्वर के लिए। फिर से अगर समराइज करूँ तो शॉर्ट टर्म बेसिस लगता है कि ये जो करेक्शन है ये गहरा सकती है, लेकिन ओवरऑल ये जो जो डिप होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जानी चाहिए और दोबारा बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है और ऊँचे टारगेट्स के लिए। वहीं अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों में ही लगातार एक करेक्शन का दौर आते हुए देखा, जहां नेचुरल गैस में हमने 350 के दाम से 400 तक के प्राइसेस को रिकवर होते हुए देखा, लेकिन सप्ताह का क्लोज आते आते दोबारा जो है 375 के करीब क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि ये करेक्शन दोबारा एक्सटेंड होकर 350 से 345 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो शुरुआती जो रुझान है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और इमीडिएट तौर पे 385 से 390 के बीच एक रेजिस्टेंस है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो हमने लगातार 6,200 से प्राइसेस को 5,600 तक फिसलते हुए देखा है और दिसंबर वायदा 5,603 का लो लगाने के बाद 5,670 के करीब क्लोज देने में कामयाब हुआ है। कच्चे तेल में ऐसा लगता है कि इमीडिएट तौर पे 5,550 के करीब एक सपोर्ट है, तो वहाँ तक दाम जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी का दौर देखने मिलेगा और हो सकता है हमें 5,800 से 5,850 तक के स्तर देखने मिले। तो यहाँ से डाउनसाइड है, लेकिन हो सकता है कि 1.5 से 2% का डाउनसाइड है और उसके बाद एक रिकवरी का दौर हमें बाकी के हफ्ते में देखने को मिल जाए। तो बाय ऑन डिप की रणनीति एक बार कच्चे तेल में अपनाई जा सकती है। वहीं बेस मेटल्स में काफ़ी उठापटक का दौर देखने मिला, जहां कॉपर ने 710 तक के लेवल टेस्ट किए, वहीं जिंक ने भी 260 के नीचे के लेवल टेस्ट किए, लेकिन जो क्लोजिंग देखने मिली वो देखा गया कि कॉपर 710 से उभर कर 735 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, वहीं जिंक में भी 266 तक के क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुई है प्राइजेस। एलुमिनियम भी 205 से उभर कर 212 पे क्लोज देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिलेगा, जहां पर ये जो करंट रिकवरी है कॉपर में प्राइसेस को 745 से 748 तक लेके जाने में कामयाब होगी, वहीं पर एल्यूमिनियम 216 से 217 तक जा सकता है और जिंक प्राइसेस जो है वो 270 से 272 के बीच जाते हुए दिख सकती हैं। तो एक अपसाइड होगा, हालांकि ये जरूर कहूँगा कि जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड होगा और इस शॉर्ट कवरिंग के बाद हो सकता है हमें
आने वाले हफ्तों में दोबारा एक करेक्शन का दौर देखने मिले। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए या एक हफ्ते से 10 दिन का व्यू अगर लूँ मैं, तो कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक तीनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान फिलहाल देखने मिल रहा है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले हफ्ते में या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नॉन एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।